ट्रेन जो है वो सिवान जंक्शन। मानसी खाना खाओगी? फ्रेंड अभी मानसी पापा मानसी को पकड़ ले, हम जा रहे हैं, स्टेशन के पास नहीं है। तो हेलो दोस्तों, मैं मिथुन और मैं काजल, और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं सो के उठा था और अभी 5 बज रहा है, लेकिन हम ना 3-4 बजे के उठे, 2 बजे, 1 बज को बोल सकते, 1 बजे से लाइट कटता है ना, और एक डेढ़ घंटे नेट, सिर्फ 1.5 घंटे हमारे पास बाद ट्रेन है, और 1.5 घंटे टाइम नहीं, 1.5 घंटे, 1 घंटे ही, 10 मिनट पहले भी तो जाना पड़ेगा। और फाइनली ये व्लॉग हमारा नया वाला फोन से शूट हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा क्वालिटी कैसा लग रहा है ना। और आप सब लोग हम उठ गए हैं, विकास भी उठ गए, और अभी वो मतलब बेमुदी अंदर रेडी हो रही है, हम भी जा रहे हैं नहा धोकर रेडी होने। और अब आप लोग व्लॉग के साथ बने रहिए, बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए, और हम फाइनली आज इस वीडियो में जाने वाले हैं, वो आपको पता चल जाएगा कहाँ जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और मानसी को रेडी करा रहे हैं। देखो अभी कह रही है ब्लू वाला पहनूंगी तो पिंक वाला पहनूंगी, पता ना क्या क्या, और ये वाला पहना रहे तो नहीं मान रही। देखो कैसे एक हाथ लटका दिए काजल, रो रही बेचारी। फाइनली मैं भी नहा लिया हूँ और नहा के रेडी हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बस ये सिंपल सा मेरा पहनावा है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अभी देखो मानसी बहुत ज्यादा रो रही है, तो देखो अभी दोस्तों देख रहे हैं आपको, लाओ जाओ। अरे अरे, तो फ्रेंड्स अभी मार्केट से जलेबी लाए हैं, सुबह सुबह मीठा कुछ खा लेते हैं ना, तो जतरा सही होता है ना कजन। और मानसी अपने लिए मैंगो फ्रूटी लेकर बैठी है। अभी क्या है, बस से जाने वाले हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि ट्रेन नहीं पकड़ पाए यहाँ से, यहाँ से भी ट्रेन था सिवान के लिए बट नहीं पकड़ पाए, लेट हो गया था काफ़ी, तो बस से ही जाएंगे सिवान तक, और सिवान से हमारा ट्रेन है 9:55 पे। बट सोच रहे हैं कितने बजे निकले यहाँ से, 8 बजे करेक्ट निकल जाना है घर से, 9 बजे लोग पहुँचे, 2 घंटा लगे पहुँचने से, तो 2 घंटा 10 बजे ट्रेन है। अच्छा हाँ, तो चलिए पहले फटाफट लो जलेबी खाओ सभी लोग। कजल कैसा लग रहा जलेबी? कैसा लग रहा? बहुत मीठा है। इसमें चीनी नहीं है ना इसलिए मीठा है इतना? नहीं नहीं, इसमें आपका प्यार है। अभी गिरा होता फोन हमारा। फ्रेंड्स अभी हम लोग निकलने वाले हैं, बाकी हमारा बैग हो गया पूरी तरह से पैक, और चलिए अभी ये आईडी वगैरह ले लिए कुतुल। अब मानसी को देखो क्या लेके जा रही है, वो अपना वो कहाँ ले जाएगी खिलौना भाई। तो फ्रेंड्स अभी मानसी को रेडी कराया जा रहा है, और बाकी अभी निकलने वाला है, बैग वैग ला लिए हैं बाहर। मेरे ख्याल से बाइक से 2-3 राउंड मारना पड़ेगा, तब जाके सभी लोग ऑटो तक या बस तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए फटाफट से राउंड मारते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग चल रहे हैं, और फाइनली हमने घर को लॉक कर दिया है, बाकी ये चाबी दे देते हैं गोलू को, अनुज को भेज देना थोड़ा बहुत, वो सफाई देख लेगा, सफाई वगैरह कर लेगा ना, बारिश का मौसम है, चूहा वहाँ पूरा मिट्टी उखाड़ देगा इसलिए। और बाकी चलिए अभी चलते हैं बस पकड़ने, सुबह से जाने का मन नहीं कर रहा इसलिए हम ट्रेन छोड़ दिए घर को। हाँ इसलिए ट्रेन छूट गया क्योंकि घर को छोड़, हाँ वो फीलिंग ही है एक। तो चलिए अभी चलते हैं, बाय बाय। फ्रेंड्स अभी मानसी को देखिए, बोलो बेटा हाय। ओ अच्छा मानसी बेटा गुस्सा है भाई, मानसी बेटा गुस्सा, लाओ पापी को। ये बताओ सुबह से अभी तक नाराज है वो भाई, बेमू रेडी कराई हमसे, रेडी भी नहीं। मामा बेटा बेटा चले, मामा छिया बाय सभी को, ऐसे बोलते हैं तो मम्मी को डांट, साथ में जा रहे हैं बाबा बोल रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। तो अभी हम लोग सिवान बस स्टैंड में उतरे हैं, स्टेशन के लिए अभी बुक कर रहे हैं, देखते हैं। स्टेशन है कौन ज्यादा हो, कजल हमें नहीं पढ़ते नहीं, तो चलिए बैठते हैं। मामा का घर है, 10 रुपया लगेगा।
चलो छोड़िए कर मामा अकेले नहीं छोड़ेंगे। उतरो फ्रेंड्स, अभी हम लोग सिवान स्टेशन पे पहुंचे, अभी बाहरी ऑटो को पैसे दे रहे हैं। तो फ्रेंड अभी मानसे पापा मानसे को बैग पकड़ ले, हम लोग जा रहे हैं, स्टेशन के पास नहीं है सिवान जंक्शन। तो अभी 10 मिनट टाइम है, 15 मिनट, हम सोच रहे हैं कुछ खाए कि नहीं, देखते हैं। तो फ्रेंड अभी देखो काजल बैग डुगड़ा रही है, डुगड़ा मतलब कि वही ले जा रही है। तो अभी हम लोग स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं अभी जस्ट, और उस बैक साइड का नज़ारा ऐसा है। और ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1, काजल यहाँ बैठी है। फ्रेंड्स अभी हम लोग बैठे हुए हैं, मानसिक मत दो खोला थोड़ा सा। तो अभी इंतजार कर रहे हैं, बस 10-15 मिनट में आ जाएगी ट्रेन। बहुत ही परफेक्ट टाइम पे पहुंचे थे ना, अगर 20 मिनट लेट होता तो नहीं मिलता ट्रेन, जाम नहीं था इस वजह से पहुंच गया, लेकिन जाम रहता ना तो नहीं पहुंच पाता। तो अभी हम लोग आ गए हैं, B5 डब्बा नंबर है, और हमारा ट्रेन जो है सामने से आ रहा है। तो अभी आ गए, कौन सा 35-36 ये ना, ये ना आगे और। तो फ्रेंड हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और अभी जा रहे हैं, मानसी बोल रही है मामा मामा खाना, यहाँ खाना चाहिए इसको। अब सब लोग बैठ गए हैं, दो सीट नीचे, दो सीट सबसे ऊपर, मानसी के पापा बैठ गए खिड़की के पास, बारी बारी से हम लोग आके बैठेंगे, एंजॉय लेंगे खिड़की का, है ना। पापा नहीं देखते, हम लोग का 33 है 36 है और एक और होगा 35 है, मतलब हमारा 2 नीचे का और 2 ऊपर का होगा, ये समझ लो। तो फाइनली फ्रेंड्स अभी जाके बैठे हैं, अभी बाप रे काफी मस्त। अभी हम लोग होते उसमें तो पता चलता, रे हट रहे तो हटो ना, मर गए नहीं गर्मी। पिछली बार जब हम सूरत से आए थे, हमारे ही सीट लेकर सभी लोग बैठ गए थे, और हम लोग खड़े होके कम से कम 10 घंटा का सफर किए थे खड़ा होकर, और हमारा ही सीट हमें नहीं मिला था। एक्चुअली वो स्लीपर था, स्लीपर में तो होता ही है ऐसे, है ना। अभी हमारा गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, वो सिवान जंक्शन से निकल चुके हैं हम लोग। और मानसी क्या कह रही है, मानसी ओ भाई क्या हुआ। फ्रेंड्स हमारे बिहार का कुछ हरियाली देख लो आप लोग, काफी एकदम शांत जगह है। आप मानसी खाना खाओगी? तो फ्रेंड्स अभी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर आए नहीं है, सबको भूख लग गई। मैंने नहीं खाया, वो भी हम लोगों में से कोई नहीं खाया, बस काजल खाई है थोड़ा सा, मानसी खाई है ना, वो अपने नमकीन खा रही है मानसी, देखो 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 आप लोग देखो। और अभी हमारा सफर कुछ जारी है। ये क्या है भाई, काले काले पॉलिथीन में, बोल बाबू क्या है? रोटी है, सब्जी है, गुलिया। अच्छा तो अभी ट्रेन हमारा कहीं रुका हुआ है, पता नहीं कहाँ पे, खाना खा। चलिए हम लोग खाना खाते हैं, विकास भाई और बीमू भाभी यहाँ खा रहे हैं। आइए आप लोग भी, आप लोग भी आइए। क्या पहले मैंने भुजिया इसी में रख दी थी, फिर तुम्हारा देखो ये तो भीग गया है। ये देखो रोटी को तेल डाल दी थी, फिर मैंने फिर मैं गई तो मैं भी डाल दी वही ज्यादा। कोई बात नहीं, टेस्टी हुआ होगा। ये मेरा है आलू प्लस गोभी, आप लोग कैसा लग रहा है देखना जरा। हमें अपना टेस्टी भुजिया दिखा रहे हैं। हाँ हाँ दिखाओ भुजिया, दिखाओ तो टेस्टी देखी, बहुत टेस्टी बात। क्या बेटा मोमो। ये है काजल का भिंडी का सब्जी। और मानसी को हम कुछ भी कम, मानसी का अगर मानसी से हम किसी का कंप्लेंट करते हैं ना तो उसको डांट सुनाते हैं, मानसी वाह थैंक यू टूटी फूटी। खा लो बेटा खा लो। अच्छा ये जो कोई स्टेशन नहीं था यार, धुरंधा है, यहाँ तो काफी पब्लिक है, लेकिन हम लोगों का बोगी ही एकदम से पीछे है, तो कहाँ से दिखेंगे कोई, है ना। देखो धुरंधा जंक्शन। तो फ्रेंड्स अभी मानसी पानी पी रही थी, और अभी देखो इधर जाके खेल रहे हैं, ये दूसरे का सीट पे खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा बदमाश हो गए। मानसी मानसी को मारो, इसमें बिल्ली ढूंढ रही, बताओ कहाँ है बिल्ली, कहाँ है बिल्ली। और मानसी का ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोगों को बताना प्लीज, ठीक है ना। कजल
काफी प्यारा लग रहा है मेरे को। अब ये सभी ट्रेन वालों को जगाएगी है ना, बहुत ज्यादा शैतान कर गई। विकास भाई कैसा लग रहा है ट्रेन में? अरे भाई चश्मा निकालने दो। अरे बुरा फील हो, सॉरी हंसी आ रहा था कि इसका बीच में का एक है ही नहीं, ऐसे पहन रखा था। मैं उस टाइम से नजर दे रहा था भाई क्या है इसमें, एक में क्यों दिख रहा है, एक में नहीं दिख रहा कुछ भी, तो पता चला कि इसका ये गिर गया कहीं। और ट्रेन में सभी लोग वैसे देख रहे हैं जैसे कि ये लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं। कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चाय बिस्किट चाय पी रहे हैं। एक्चुअली बिस्किट बेमुझे लाए थे तो बिस्किट ले ले रहे हैं ना। सभी सो गए फिर उठ गए। धर्मपुर कहाँ? मालपुर। अभी देखो हम स्टेशन पे रुके हुए हैं, सुबह में 5 बजे ही पहुँच गए हैं। बस शाम हो गया, रात कट जाएगा कैसे भी, बस पहुँच जाए। गर्म लगे चाय। थैंक यू। तो फ्रेंड्स अभी शाम होने वाला है और सभी लोग अभी बैठे हुए हैं हम सब। और फाइनली अभी हम लोग आए हैं, कौन सा स्टेशन था ये? अभी बरौनी जंक्शन आने वाला है, 6:30 बजे आएगा बरौनी जंक्शन। ये कुछ नजारा है बाहर का, कितना प्यारा है ना। कहते तो दिखाए नहीं, बारिश में और मजा आता है। चना खाइए, गरम गरम खाइए, गरम भुंजर, चना भुंजर, गरम गरम। मानसी चना सुहाना क्या कर रहे भाई? अरे ये भी डॉलर ही बोलती है, डक बोलती है, डक डक। तो फ्रेंड्स अभी ये लोग दोनों बहनें चादर लिए हैं। देखो ये पहले कितना 400 में दो बोल रहे थे ना, वो और बाद में 200 में दो दिए। हम बोले 200 में दे दो। खाना खाओगी? अरे तो ये बेडशीट जैसा है कुछ है ना, सिंगल बेड का चादर है, मतलब कि चलो रात तो कटने में सही रहेगा। एक बार हमको तो हमारे पास तो था ही नहीं, हम पूछो ना, एक लेडीज ने दिए थे तो ओढ़ के गए थे जब सूरत गए थे हम लोग ना। फाइनली फ्रेंड्स अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो आप लोग भी खा लीजिएगा। फ्रेंड्स अभी सभी लोग खाना खाने जा रहे हैं, 7:30 हो रहा है। क्या बेटा खाना? और हम और काजल भी जा रहे हैं। ये यामी। और सुहाना देखो नीचे ब्रेक लगा दिया, सुहाना उधर बैठ गई, मानसी उधर बैठ गई, और दोनों लोग खाएंगे अच्छे से है ना। और खाना वेजिटेबल है, दाल चावल सब्जी, मिठाई भी है, एक एक रसगुल्ले। इधर भी दाल चावल सब्जी है, बाकी काजल अपना घर का वाला खाना खाएगी। और फ्रेंड्स हम लोग ना जैसे कि झारखंड जा रहे हैं, और ये जो ट्रेन है मौर्य एक्सप्रेस है, सीधे झारखंड जाके हम मिलाएंगे फिर, क्योंकि यहाँ जा रहे हैं। ये चीज के लिए आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, कल वीडियो आएगा 12:10 पे, वो वीडियो आप लोग देखेगा जरूर कि हम लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं, किन के यहाँ, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, गैस करना कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और अभी सारे बच्चे खेल रहे हैं, रात होने ही वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी करीब 8 बज रहा है और हम सभी खाना खा लिए हैं। विकास भाई, बिमला भाभी सभी लोग खा लिए, सुहाना मानसी यहाँ खेल रहे हैं। और बाकी इस ब्लॉग को हम अभी एंड कर रहे हैं, और सुबह पता ना कै बजे ट्रेन रुकेगा, 5-6 बजे तक पहुंचेंगे, तो वो चीज़ आपको आगे के ब्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा। और कुछ प्रॉब्लम भी हो गया था हमारे, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। तो चलिए इस ब्लॉग में बस इतना ही, एंड अभी तक आप लोगों ने हमारा ब्लॉग वीडियो देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें एंड जय हिंद, बाय बाय। चलिए बाय।